नमस्कार। कक्षा 8 SST चैप्टर 1 आवर रिसोर्सेज। टुडे इज माय फोर्थ सेशन फॉर द चैप्टर रिसोर्सेज एंड आई एम होपफुल दैट इन माय टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर चैप्टर 1। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए। This time you can easily see or you can easily feel that I am taking my class completely on the basis to give you the complete explanation of the chapter. That's why I am making a video in such like of manner that you will feel that you are studying in the class, because usually the classes are of 35 minutes. In that 15 minutes is dedicated for the work and the remaining time is going to be utilized for the copy evaluation, homework giving, diary checking, etc. And because we are studying in the online session, that's why in such kind of classes I have to explain only. This one is not a classroom teaching in which you will shout again and again and I will stop my writing and I will tell to you that maintain silence, that's why. Otherwise the remaining things are very common. Today for the chapter resources, we are here to discuss about the conservation of resources. Up to now what we discussed? Up to now we discussed about the resources, types of resources on the basis of either origin, either stage of development, etc. and etc. We discussed about the resources on the behalf of natural resources, man-made resources, etc. and etc. We discussed each and everything in very large manner. Har tarah se hum logon ne resources ko samjha. अब सवाल आता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? व्हाइल द डिस्कशन ऑफ रिसोर्सेज व्हाट थिंग्स कम्स आउट फ्रॉम द हेडिंग? क्या चीजें बाहर निकलती हैं? एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, I am going to change the pen. Either limited, either unlimited. इस तरह से तुम लोगों को नहीं बताया गया, किताब में नहीं, लेकिन मैं सार बता, घूम फिर कर पूरा पढ़ लो, पूरा समझ लो। चीजें दो ही प्रकार की होंगी, वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, वो सब टेक्निकल टर्म है। अब ये तुमको समझा देने वाला, चुटकी में समझाने वाला था कि दो प्रकार के संसाधन हैं, एक सीमित है और एक असीमित। सीमित क्या है? कोयला है, कोल है, गैस है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है। ये ऐसा नहीं कि पूरा है, ये हम पे निर्भर करता है कि उसको रखना है कि खत्म करना। अनलिमिटेड में क्या है? सन है, विंड है, वाटर है, दीज आर द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब भाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में बेसिकली हम लोगों को यही समझना है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मेंटेन अ कमांड, वी हैव टू मेंटेन अ कमांड और वी हैव टू मेंटेन अ कंट्रोल ओवर द यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें वैसे संसाधन का बहुत ही संभल कर उपयोग करना है जो सीमित मात्रा में है। क्यों? अगर हम उसका उपयोग सीमित मात्रा में नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन, चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रेन को वो रिसोर्सेज हम नहीं दे पाएंगे, वह रहेगा ही नहीं, दे विल नॉट यूज, देन हाउ दे विल सर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मूलतः इसी चीज को समझाने के लिए,
वी हैव टू कंट्रोल ओवर द कंजम्पशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट वी हैव टू इंक्रीज द यूजेज ऑफ द अनलिमिटेड रिसोर्सेज और इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट वी हैव टू प्रमोट वी हैव टू एडवर्टाइज फॉर द मूवमेंट टुवर्ड द यूजेज ऑफ द अनलिमिटेड रिसोर्सेज इट मीन्स वी हैव टू इस्टेब्लिश सोलर इनर्जी प्लांट बाई दैट वी कैन गेट इनर्जी वी हैव टू यूज विंड इनर्जी आइदर फॉर द इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल थिंग्स आइदर इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन और आइदर फॉर एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल